लगता है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के रिश्ते सुधरने लगे हैं। तभी तो जब नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को बातचीत का प्रस्ताव दिया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बिना देरी किए उत्तर कोरिया की पहल का स्वागत करते हुए बातचीत के लिए सहमति जताई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुंग ई योंग ने गुरुवार रात को इसकी पुष्टि की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार चुंग ई योंग ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब दोनों के बीच मई में मुलाकात हो सकती है। चुंग ई योंग ने कहा कि इस दौरान दोनों देशों के बीच भविष्य में परमाणु बम और मिसाइल परीक्षण को लेकर बातचीत होगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधिमंडल उत्तर कोरिया पहुंचा था, जहां से लौटने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बैठक में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने कहा कि वह परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं और अमेरिका से बात करना चाहते हैं, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह मई तक किम जोंग उन से मिलकर स्थायी परमाणु निःशस्त्रीकरण हासिल करना चाहते हैं। जो किम कभी अमेरिका पर बम गिराने की बात करते थे, उन्होंने अब वॉशिंगटन के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जो वाकई चौंकाने वाला है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।